अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। साइदा फूड सीक्रेट्स में मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार बैंगन के क्रिस्पी पकोड़े, जिसमें बेसन लिया है हमने जनाब 250 ग्राम, इससे ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक बैंगन लिया मैंने बड़े साइज़ का फ्रेश, और एक अदद मैंने लिया है आलू, साथ में मैंने एक अदद प्याज ले लिया है बारीक कटा हुआ। अनारदाना है मेरे पास 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 3 से 4 अदद मैंने छोटी वाली काटी है, और साथ में धनिया। स्पाइसेस में हमारे पास है जी दड़ा लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, चाट मसाला हमारे पास 1 टीस्पून है, सूखा धनिया है हमारे पास, और है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है, कलौंजी है हमारे पास, और साथ में है अजवाइन, ये आप 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं, और नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में सबसे पहले मैंने जनाब ऐड किया है बेसन, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और करारे से पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। स्पाइसेस में ऐड कर रहे हैं हम चाट मसाला हमारे पास है 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च है 1 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हैं, सूखा धनिया हाथ से क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून डालें, कलौंजी और अजवाइन डालें आप, ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए भी, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती है। प्याज डालें आप साथ में, नमक आपने डालना है 1 टीस्पून, और इसके साथ हम डालेंगे जी इसमें अनारदाना, अच्छे से धो के पानी से 2-3 पानियों से फिर आप डालें। हमने डाला इसमें धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च 3 अदद बारीक कटी हुई, ज़बरदस्त बनेंगे हमारे फुल स्पाइसी। और बैंगन को हमने बारीक बारीक काट लिया, आप ऐसे छोटे पीसेस में भी काट सकते, लंबाई में भी काट सकते, मैंने मिक्स ही काटे, कुछ लंबे कुछ छोटे। और आलू को मैंने कश कर लिया 6 इंच ज़रा, इससे बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप चाहते छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कश किया है। मिक्स करें इसे अच्छे से, और हसबे ज़रूरत पानी मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ इसे मिक्स करते जाएंगे, बहुत पतला नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं। अभी मुझे लग रहा है जैसे इसमें बेसन थोड़ा सा और डलेगा, हाँ वो इसमें डालें आप। बेसन जो है वो मटेरियल की क्वांटिटी के मुताबिक 1 या 2 स्पून और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले थोड़ा रखा फिर डाल दिया। अच्छे से हाथ से मिक्स करें ताकि तमाम जो है मसाला जात बेसन में और बैंगन आलू प्याज सब मिक्स हो जाए अच्छे से। आप चेक कर लें इसमें नमक ठीक है, और चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 पिंच वो बेकिंग सोडा, जिसे हम आप अपनी ज़बान में आम घरों में कहते हैं मीठा सोडा, वो पिंच मैंने थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं। और साथ में फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनट के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। और ये था मेरा सीक्रेट, साइदा फूड सीक्रेट में सीक्रेट ओपन हो चुका है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है, डालने वाले तो कलर भी डालते हैं, लेकिन हल्दी आपके लिए बहुत हेल्थ के लिए हेल्थफुल है। हमारा जो है अंदर से इनहेल करती है, बॉडी को रिपेयर करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मिला के 30 मिनट रख दें, उसके बाद फिर आप ये पकौड़े बनाएं, फिर ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे और मज़े के बनेंगे। ऑयल को गर्म करें, उसमें आप पकौड़े डालें, हाथ से डालें, चम्मच से नहीं डालें, हाथ से डालेंगे जब आप डालते हैं उंगलियों से तो वो ज़रा अच्छे खिलरे खिलरे गिरते हैं, तो वो उतने ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप स्पून से वैसे ही डाल देंगे तो वो गोल गोल एक जगह ठहरे ठहरे बन जाएंगे। हाथ से डालें, हाथ का अपना ही मज़ा है। ज़बरदस्त तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इस वक्त देखिए कलर ज़बरदस्त लग रहा है इसका, और खाने में ये फुल क्रिस्पी। जो हमने पोटैटो कश करके डाला ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और साथ में जब प्याज मिल जाता है बैंगन के साथ तो वो फिर मज़ा और दुबाला हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, झटपट जल्दी से बनने वाले ये पकौड़े हैं, और टी टाइम में आप इसे बनाएं, साथ इंजॉय करें, ज़बरदस्त है। छोटी सी मेरी रेसिपी है,
मेरे वाले तरीके से ज़रूर बनाएं और आपको बहुत मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े मिलेंगे। छोटी छोटी रेसिपीज़ मेरी ट्राई किया करें, अच्छा सा फीडबैक दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मज़े मज़े के बना के खाएं आप। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे सब्ज़ चटनी के साथ, दही वाली चटनी के साथ आप खाएं, रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, और तो चाय के साथ सादा भी चलेंगे। बहुत ही मज़े के झटपट क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हैं, ज़रूर ट्राई करें और बनाएं इसे आप। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।